मेथी मटर बहुत अलग तरीके से। इसके लिए मैंने लिए मेथी 50 ग्राम, इसको धोकर छीलकर और मैंने उसको इस तरह से बॉयल करके पानी में एक उबाल दिया था और इस तरह मैंने इसको रख दिया। इस तरह के मैंने साइज के दो प्याज लिए और एक टमाटर लिया। 50 ग्राम मैंने मटर छील कर इसको धोकर एक उबाल इसको भी कर दिया। 50 ग्राम मैंने मलाई ली है घर की। ये मेरी इसकी यूट्यूब चैनल पर डली हुई है इसकी रेसिपी। ये हर सब्जी में ऐसी प्यूरी जाती है। मैंने इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और दो तीन काजू तोड़ कर इसमें डालकर इसकी प्यूरी बनाएंगे। इसको मैंने 2 मिनट गैस पर रखा था ताकि इसका थोड़ा पक जाए, कच्चापन हट जाए। अब हम इसकी प्यूरी बनाएंगे, इसकी भी प्यूरी बनाएंगे। आइए, हमने गैस चालू कर दिया, इसमें 1 चम्मच हमने घी डाल दिया। अब हम डालेंगे हमारे इसमें अब जाएगा 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चुटकी हल्दी पाउडर। अभी हमने प्यूरी बनाई थी, ये इसमें डाल देंगे। गैस धीमी करेंगे, थोड़ा सा धीमा रखेंगे। आप चाहें तो मेथी को भी साथ में पीस सकते हो। इसका एक सीक्रेट है। अब हम इसमें डालेंगे सीक्रेट, हम कोई भी बनाएंगे। इसमें जाएगा धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, नमक चमक स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच चीनी पाउडर। इसमें जाएगा किचन किंग मसाला 1/2 चम्मच, इसमें हम घी नहीं डालेंगे ज्यादा क्योंकि मलाई से भी घी निकलता है। हमने इसको थोड़ा सा पहले ही पका दिया था प्याज और टमाटर को, थोड़ा सा और इसको हम पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे मेथी की पूरी। इसी के साथ डाल देंगे हम मटर। बहुत झटपट बनने वाली सब्जी है। उसको 2 मिनट छोड़ देंगे। अब हम इसमें डालेंगे मलाई 50 ग्राम। अगर हम कच्चे मटर डालेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब हमारी मलाई मेथी मटर होटल जैसी तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे सीक्रेट 1 चम्मच शक्कर, इसमें आप चाहो तो थोड़ी सी टमाटर सॉस भी डाल सकते हैं, इसमें और ज्यादा टेस्ट आ जाएगा। वो भी डालें तो 1 चम्मच बस। अब हमारी मेथी मलाई मटर तैयार हो गई। अगर आपको थोड़ी सी पानी वाली चाहिए तो उसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं। अब हम भी इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। थोड़ा सा ही डालेंगे ताकि मसाले सारे इसमें एक हो जाए। हमारी मेथी मलाई मटर तैयार होगी।
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी रेसिपी पसंद नहीं आए तो जस्ट कमेंट भी कर सकती हूँ।